हाँ जी बताइए। पिछले 2 दिन को समराइज करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले पेमेंट, फिर आगे की बात। बताइए कौन दे रहा पेमेंट? बोलिए। नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रुकने का भी कारण है। मैंने 2 दिन में एक चीज सीखी कि आप किसी भी चीज को अगर स्वीकार कर लेते हैं तो भय निकल जाता है। तो मैंने उस क्या निकला भय निकल गया। क्या चीज का निकला? स्ट्रेस किया है। स्ट्रेस किया समरी आया नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। मैं सही जा रहा हूँ सर? सही जा रहा हूँ तो बैठे बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये भी एक अच्छा लगा कि मेरी बातों से सब लोग हंसे, उसके लिए सबका शुक्रिया। बात शुरू करते हैं। हमने कल पहला सेशन अटेंड नहीं कर पाए थे, देर से आए थे, पता पड़ा शादी क्यों करनी चाहिए, वहाँ से जर्नी चालू हुई। और सर हमारी हो गई, हो गई तो हो गई, मैं पता नहीं लेकिन क्यों हो गया। ठीक है, वो भी अपनी जगह। आगे बढ़ते बढ़ते सेशन में पहुंचा कि जो नेचुरल नहीं है हम उसको नेचुरल समझ बैठे, और जो नेचुरल नहीं है उसी को नेचुरल मान रहे। जो चीज समझ में आप बताते जा रहे हो, हम तो सब सब उल्टा करते जा रहे हैं। आप उससे गलती सीखे, हमने बोला सीखते, फिर आपको बोलते तो गलत है, गलती तो सीखते ही नहीं है। तो सार ये दिखा रहा है कि जो भी आप बता रहे हो जीवन में सब तो उल्टा उल्टा जा रहे हैं जिंदगी में, तो सुख मिलेगा कहाँ से? नहीं भी मिल रहा है। बात को आगे बढ़ाते हैं, करते 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 सर आखिरी में मैं ये पहुंचता हूँ कि पेड़ पक्षियों, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब चीज कुदरत के हिसाब से कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है इस जीवन में। सब लोग कहते हैं कि ईश्वर की सुंदर रचना इंसान है, हम सुनते हैं, लेकिन एक इंसान ही है जो कुदरत के हिसाब से नहीं चल रहा है। हम दुखी भी उसी की, पेड़ पौधे भी चल रहे कुदरत के हिसाब से, पशु पक्षी भी चल रहे, जीव जंतु भी चल रहे, हम उनसे भी गए नहीं रहे। वो मानते क्या है कि हम भगवान की सबसे सुंदर रचना है। तो फिर बात वही, अभी जो मानते हैं उसी को अप्लाई करते हैं कि हम सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ रचना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ऐसा जी नहीं पा रहा है। बाकी मुझे नहीं पता कि मैंने व्याख्या कैसे की। थैंक यू सर। लेकिन मैं 2 दिन से देख रहा हूं सर, हम में वो कृतज्ञता का भाव आपके प्रति अभी तक जग नहीं पाया। इतना देरी का राशि दे रहा हूं, इतना तो भगवंतन सर का कि हम हर सेशन चालू करने के पहले सर का स्वागत जोरदार तालियों से करें। इतनी जोरदार ताली से करें कि मोहल्ले वाले सोचे कि मेवाड़ भवन में ऐसा कौन सा सुख बच रहा है जो हमारे पास नहीं है। नहीं, इसमें क्या है, ये सब मेरी मन की बात है। नहीं, आपके मन का भाव अच्छा है, पर ताली बजाने से समझ में नहीं आते। प्रति कृतज्ञता करना है, दर्शन के प्रति करना है, तो दिन भर में जो चर्चा हुआ वो समझ में आ जाए, वो आचरण में आ जाए, वो कृतज्ञता आएगा सर, वो भी आएगा। विश्वास, तो ऐसा ना हो कि हवा तालियों में निकल जाए। नहीं नहीं ऐसा सर, चप्पल लाइन में बाद में लगेगी। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। दो शेयरिंग सुनेंगे, एक ज्योतिबेन से सुनेंगे और एक नहीं वो देखो तो मंच पे तो मैं बैठा हूँ। ज्योतिबेन का आदेश था कि मुझे समराइज करना है। नमस्ते सभी को। तो मैं फर्स्ट डे का फर्स्ट 2 सेशंस अटेंड नहीं कर पाई थी, 3rd सेशन से मैंने अटेंड किया था। तो बात हो रही थी इनपुट और आउटपुट की, कि समाज में जो बच्चा है जब पैदा होता है तो न्याय का याचक होता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, जिज्ञासु होता है, सत्य वक्ता होता है, किंतु जब
20 साल 25 साल जिस एजुकेशन सिस्टम से, समाज की जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उनसे जब वो वापस निकलता है तो वो कैसा हो जाता है कि वो सोचता है कि सुविधा में ही सब कुछ है, सुविधा ही जीवन शैली है, धन को प्राप्त करना ही उसका एकमात्र गोल है और मानव और प्रकृति का शोषण करना ही उसका परम कर्तव्य है। तो ये जो तीनों मानसिकता है उसकी विकसित होती है और आज हम जो मुझे भी इस मतलब विद्या से, दर्शन से जो मैं इन्फ्लुएंस हुई उसका रीज़न यही था कि मुझे हर हर प्रॉब्लम के रूट में आप जाओगे तो ये तीनों मानसिकताओं की वजह से ही उसका उसका कॉज दिखता है। तो यहाँ से हमें शुरू करके सबसे पहले जो फर्स्ट डे हुआ कि हमारी एक समीक्षा हुई कि जिंदा रहना और जीना में अंतर क्या है, हम कर क्या रहे हैं और होना क्या चाहिए। तो जिंदा रहना और जीना में जिस तरीके से पहले भैया ने जीने को एक्सप्लेन किया कि हम कैसा जीना चाहते हैं, हमारा हम आज जी कैसे रहे हैं और चाहते क्या है, चाहना में हमारे क्या रहता है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा स्वयं के प्रति विश्वास बना रहे, हमारा कॉन्फिडेंस अपने प्रति बना रहे, हमारा भाव और विचार स्थिर रहे, किसी भी घटना से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी कह दे तो हमारा भाव और विचार बिल्कुल स्थिर बना रहना चाहिए। तो स्वयं के प्रति विश्वास, जिसको इन्होंने एक हमने एक नाम दिया कि समाधानित हों हम लोग, हमें हर हर सिचुएशन का, हर घटना का, हर परिस्थिति में हमारे पास समाधान हो कि भाई इसका इसका क्या है ना, हमारा भाव और विचार हिले नहीं। फिर जब स्वयं के प्रति विश्वास होता है तो वो परिवार के प्रति विश्वास, संबंधों के प्रति विश्वास हो जाता है, क्योंकि जब आप रिजॉल्व होते हो, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है तो आप उस संबंध को देख पाते हो, उस संबंध को कैसे हैंडल करना है उसको भी देख पाते हो, तो वो मैनिफेस्ट होता है संबंधों में, आपके संबंध डेफिनेटली रिच होते हैं। इसको मैंने भी पिछले एक साल में देखा। अभी समाधान बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि जीरो से स्टार्ट किया था तो मैं 1% में पहुंची हूँ, लेकिन 1% ने भी मुझे इतना सुख दिया, मैं अपने रिलेशनशिप्स को इतना रिच कर पाई, जो भी मेरे आसपास के लोग थे जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जिनके साथ मैं रह रही हूँ, तो वो जो 1% भी इतना सुख देता है तो मुझे लगता है कि जब हम उस समाधान में 100% पहुंचेंगे तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा मतलब। तो संबंधों के प्रति विश्वास से शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार पर पहुंचेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि हम समृद्ध परिवार बनाएंगे, तो हम समाधानित होंगे, हमारे पास समृद्धि होगी। जब बहुत सारे परिवार इसी रिजॉल्व के साथ रहने, इसी रेजोल्यूशन के साथ रहने लग जाएंगे, सभी परिवार समाधानित होंगे, तो वो जो समाज है वो भयमुक्त बनेगा। मैं हमेशा, मैंने बहुत साल पहले मेरी मदर को एक बात, मतलब जब मेरी मदर बहुत ज़्यादा बहस हो जाती थी और मैंने उनको कहा था कि मम्मी पापा को भी 25 साल पहले इस करप्शन से प्रॉब्लम थी और आज मुझे भी 25 साल बाद इसी करप्शन से प्रॉब्लम है, मैं इसी से परेशान हूँ, है ना, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, रोज पापा का 2 घंटे शाम को सर खाती हूँ और उनके पास कोई भी कोई समाधान नहीं है। तो क्या किया आपकी जनरेशन ने 25 साल में क्या किया? दूसरी बात कि आज मैं मेरे जो भी गोल्स थे मैं वो अचीव नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फादर को लगता था कि अकेली कैसे रहेगी, क्या करेगी। तो मैंने कहा मैं कुछ और एक नई जनरेशन लेकर आऊँ और फिर मैं उनके लिए डरती रहूँ, क्योंकि समाज तो वहीं का वहीं है, इनफैक्ट वहीं का वहीं नहीं है और डिटीरियोरेट हो रहा है। तो मुझे लगा कि अगर मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं समाज को और सुंदर बना सकती हूँ तो कम से कम कुछ लोगों को तो बर्बाद ना करूँ, कुछ लोगों को धरती पे लाके और उनको तो परेशान ना करूँ। तो वो जो भय था जो मेरे मदर फादर में था, उनके मदर फादर में भी होगा और मेरी जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम और नीचे गए। तो शायद बहुत सारे परिवार जब समाधानित होंगे, जब बहुत सारे परिवार समृद्धि के साथ होंगे तो वो शायद वो समाज अभय भयमुक्त होगा, जिसे हमने कहा अभय। तो समाधान, समृद्धि, अभय। और फिर चौथा, जब बहुत सारे परिवार समाज के स्तर पे समाधानित होंगे, भयमुक्त होंगे और सब इसी तरीके की जीवन को जी रहे होंगे तो शायद प्रकृति में भी संतुलन होगा और सब जगह को एग्जिस्टेंस की फीलिंग होगी। तो ये जो चारों गोल्स थे जिसमें हमारा भाव और विचार 24/7 एक अनवरत धारा जो भाव और विचार की बहती है वो 24/7 समाधानित होगी, 24/7 हम लोग समाधान के साथ होंगे, हम लोग रिजॉल्व होंगे, तो उससे ये जो चारों चीजें हैं तो हम पहले दिन ये देख पाए कि इन चारों में से हम कहीं पे भी नहीं खड़े हैं। बाकी तीनों चीजें तो समृद्धि, अभय और सहस्तित्व तो एक नेक्स्ट स्टेज है, लेकिन हम समाधानित तो बिल्कुल नहीं है, हमारा ऑन ऑफ चलता रहता है, किसी से हम राजी हैं, किसी से हम दुखी हैं। जो भैया ने कल बहुत अच्छी बात बोली कि आधे घंटे पहले वो बहुत अच्छा लगता है और आधे घंटे बाद ऐसा लगता है कि
ये कहाँ से आ गया। यहाँ एक भैया बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा नहीं होता है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और 25 साल बाद बोलते हैं कि तू पैदा क्यों नहीं मर, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया था। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब मैं मेरे घर पे भी देख रही हूँ कि स्वीकृतियाँ धीरे धीरे रिश्तों में कम होती जा रही हैं। हमारी जो स्वीकृतियाँ हैं पेरेंट्स के प्रति, पेरेंट्स के हमारे प्रति, वो छोटी छोटी बातों में कम होती जा रही है। तो हम अभी कर क्या रहे हैं? हम इंद्रियों में सुख ढूंढ रहे हैं। तो जो भैया बताते हैं कि हम हमारे पांचों चारों विषयों को पूरा करने के लिए, इंद्रियों से सुख पाने के लिए, पांचों इंद्रियों से सुख पाने के लिए चारों विषयों का उपयोग कर रहे होते हैं। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन का उपयोग जो है वो हम इन पांचों इंद्रियों से सुख पाने के लिए कर रहे होते हैं। अगर उल्टा देखें, जो जानवरों को देखें, तो उनके फोकस में उनका सर्वाइवल है, उनके फोकस में आहार, निद्रा, भय, प्रजनन है। इसके लिए कुत्ता जैसे है वो सूंघने की क्षमता का उपयोग करता है, कोई और जानवर किसी और क्षमता का उपयोग कर रहा है। लेकिन हमने हमारी पांचों इंद्रियों का उपयोग हमारे सुख के लिए कर दिया और हम इन छोटे छोटे सुखों में अटके ही पड़े रहे, जिनसे जिनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी भैया ने बताए थे कि ये सब परिवर्तनशील है। तो हमें हर बार एक नया सुख चाहिए और उस नए सुख की तलाश में ही आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हम सोसाइटी में भी देख रहे थे कि हम बहुभोग अतिभोग की तरफ जा रहे हैं। हमें बहुत सारा पैसा चाहिए उसको इंजॉय करने के लिए, रोज कुछ चिल करने के लिए एक नई पार्टी चाहिए, नया डेस्टिनेशन चाहिए। तो इंद्रियों का जो सुख है वो हमेशा हमेशा अस्थायी है और वो हमेशा धकेल रहा है, हमें पुश कर रहा है, व्हाट नेक्स्ट, कुछ नया कुछ नया, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। हम वापस शायद एक मतलब वो लोग उसको कंक्लूड कर पाते होंगे कि यहाँ पे कुछ है नहीं। फिर ये हमारी जो सुख की कामना है वो हमारी परमानेंट कामना है जो हमें 24/7 लगातार बनी रहती है। एक सुख और एक सम्मान और पहचान, हमें कंटिन्यू सुख चाहिए जिसे हमने इंद्रियों में ढूंढा, हमें कंटिन्यू सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। जैसे अभी भैया इसलिए इतने ज्यादा खुश हो रहे थे कि उनकी वाइफ ने उनको एक्नॉलेज कर दिया, मतलब जिसके साथ वो दिन भर रहते हैं, हमेशा रहते हैं, उसने जब एक्नॉलेज किया तो आज उनको कह रहे हैं कि जन्नत भी मिल गई। तो मैं उस फीलिंग को मतलब मैं सुन पा रही थी, क्योंकि मैं मेरे घर वाले आते नहीं है शिविर में, तो मुझे मतलब मैं उसको फील कर पा रही थी कि जब वो आएंगे और एक्नॉलेज करेंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो ये जो सम्मान पहचान है इसको भी हमने अस्थायी चीजों में ढूंढा, हमने ढूंढा रूप में, पद में, धन में और बल में। इसके भी फिर से वही 3 कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि ये अस्थायी है, परिवर्तनशील है। इससे भी क्या हुआ कि हमें या तो भूतकाल में पीड़ा, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान का विरोध, या फिर भविष्य की चिंता। या तो हम हमेशा भविष्य का सोचते रहते हैं, प्रेजेंट को हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ हमेशा विरोध है, और भूतकाल में जो कुछ घटनाएं हुई उन्होंने उनको हमने घटना की तरह ही लिया और उससे हम पीड़ित रहे, हमेशा हम पुराने के बारे में सोचते रहते हैं। तो आप अपना देखोगे तो हमारा भाव और विचार हमेशा नेगेटिव चल रहा है, हमेशा या तो हम पीड़ा में हैं या चिंता में हैं या विरोध में हैं। तो इस तरह से जब हमारी समीक्षा होती है तो मतलब शाम को गोष्ठी में भी इसी तरह के सवाल थे कि हम इसको फील कर पाते हैं कि भाई इतना धन होते हुए भी मैं खड़ा तो वही हूँ, मेरा भाव और विचार तो बिल्कुल अस्थिर है ना, मैं किसी कोई भी जरा सा कुछ करके हमें स्टिमुलेट कर सकता है और हम चिल्ला पड़ते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यहाँ जब ये समीक्षा होती है तो कम से कम हमें इनकी औकात, जो भैया ने बोला कि जूता पैर में, रिबॉक का भी जूता हो, एडिडास का भी जूता हो, पैर में नहीं सुहाएगा। तो पद है तो वो पद की पद 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 की जगह है, जो भाव और विचार है वो अपनी जगह है, उसको उसका प्लेस कोई भी नहीं ले सकता है। तो यहाँ से हमने शुरू करके हम अगले दिन आए कि भाई भैया का एक प्रस्ताव था, एक यूनिवर्सल लॉज जिस तरह से धीरे धीरे शिविर में प्रेजेंट होता है। तो एक प्रस्ताव था कि मानव जाति के पास 2 ही प्रश्न है, एक प्रश्न है क्यों जीना है और दूसरा प्रश्न है कैसे जीना है। इस पे हम लोगों ने बहुत ही ग्रिलिंग करी, बहुत ही बातचीत करी कि भाई कोई तीसरा प्रश्न भी हो सकता है क्या। तो जैसे एक आया कि किसके लिए जीना है, तो वो भी क्यों जीना में ही आ गया। एक प्रश्न आया कि कितना जीना है, तो वो भी क्यों जीना में ही आ गया। इस तरीके से हम सभी पूरी सभा इस कंक्लूजन पे पहुंची कि 2 ही प्रश्न है, क्यों जीना है और किसके लिए जीना है। अब क्यों जीना है भी का फिर से एक और प्रस्ताव आया कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो सुख के लिए करता है, मानव जो कुछ भी अपने जीवन में करता है वो सुख के लिए करता है। अब एक प्रस्ताव था क्योंकि हम जिस समाज में आज सोसाइटी जिस जगह पे पहुंची है, एक नया नैरेटिव चल रहा है कि भाई सुख आपके अंदर है, आप अपने अंदर ही ढूंढ लो, उसको अंदर से पालो, बाहर नहीं है। इस तरह के हम सुबह देखेंगे तो व्हाट्सएप में मेरे पास सुबह करीब 100 लोग मुझे गुड मॉर्निंग लिख के भेजते हैं और उसमें इसी तरह का एक बकवास
पास से चार लाइनें होती हैं, उनका मीनिंग यही निकलता है कि भाई मानो जो सुख आपके अंदर है उसको ढूंढ लो। यहाँ ये पूरा शिफ्ट है इस दर्शन में जो मैं ये देख पाई कि सुख अंदर बाहर कहीं पे भी नहीं है और कहीं से भी लेना नहीं है। ऑलरेडी आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आप सुख के लिए ही कर रहे हो। आपका हर एक्शन, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे सुख मिल रहा है इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं वहां से यहाँ आई, जो भैया यहाँ पे जो आपने बोला कि भैया जो कुछ कर रहे हैं वो अपने सुख के लिए कर रहे हैं और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे आप कॉन्सेंट्रेटली जैसे आपको सुख मिल रहा है तो आप बैठे हो, आप अभी चले जाओगे तो मुझे इतना ही सोचना है कि इसको सुख नहीं मिल रहा था। तो ये जो है, अगर हम इस चीज पे टिकते हैं, अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सुख के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमें ये बात पकड़ में आती है कि फिर तो मैं निरंतर सुख चाहता हूँ, मैं 24/7 सुख चाहता हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। वहां से आप वो समीक्षा करते हो कि मुझे इंद्रियों में भी सुख नहीं मिल रहा है, रूप बंधन पर भी सुख नहीं मिल रहा है, तो अब करना क्या है। तो इसको ये एक नैरेटिव पूरा चेंज हुआ है, ये मुझे मतलब हमेशा शिविरों में पहले 2 दिन में अगर ये बात बैठ गई कि मुझे सुख ढूंढना नहीं है, सुख अंदर बाहर ये जो सब चलता रहता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो पढ़ाती रहती है बियॉन्ड उसके, मैं ऑलरेडी जो कुछ कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए कर रहा हूँ या फिर दुख को मिनिमाइज करने के लिए कर रहा हूँ, इसको अगर हमने पढ़ लिया तो हमारी खोज चालू हो जाती है कि 24 घंटे ये सुख मेरे साथ कैसे बना रहे। उस समय हम हमारे भाव और विचार पे ध्यान देने लग जाते हैं। तो ये एक प्रस्ताव था कि मानव जो कुछ भी करता है वो सुख के लिए करता है। तो अलग अलग आप लोगों के लॉजिक्स आ रहे थे, उसको काटा जा रहा था, जैसे कि मेरी सास जो कुछ कहती है उसको मैं नहीं करना चाहती हूँ और फिर भी मुझे करना पड़ता है, तो हम दुख को मिनिमाइज करने के लिए। या एक भैया ने बताया कि मैथ्स उसको पसंद नहीं है फिर भी उसको स्कूल जाना पड़ता है और मैथ्स पढ़नी पड़ती है, तो वो भी दुख को मिनिमाइज करने के लिए या सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो हम इसको इसकी इस क्वेश्चन में जितनी ग्रिलिंग हुई थी उससे कम से कम हमारे माइंड में बहुत अच्छे से ये बैठ गया कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सुख के लिए करते हैं। अब सुख क्या है, सुख किसके लिए? तो फिर से एक तीसरा प्रस्ताव आया कि स्वीकृति में ही सुख है। अब फिर से स्वीकृति में यहाँ से जब पहली बार ये प्रस्ताव आता है तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा अब हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो महिलाओं को ये ज्यादा लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज करते करते ही जी रही होती है, तो वो सुख मैक्सिमाइज वाला तो उनका काम चल होता ही नहीं है और यही इसी पार्ट में चलता रहता है कि दुख ही मिनिमाइज करने में पूरी एनर्जी लग जाती है कि अब दुख को मिनिमाइज कैसे करें, दुख को मिनिमाइज कैसे करें। तो जो स्वीकृति में ही सुख है, स्वीकृति में ही सुख है, यहाँ से एक थोड़ा सा नोशन ये बन गया कि भाई कॉम्प्रोमाइज तो करना नहीं है। फिर वहां से एक और प्रस्ताव आया कि नहीं स्वीकृति किसके लिए, तो स्वीकृति व्यवस्था के लिए। अब यहाँ से हमने व्यवस्था को समझना स्टार्ट किया। इसी बीच एक चर्चा हमारे बीच में हुई कि भाव और विचार क्या है, इतनी भाव और विचार की बात हो रही है तो हम बात बात पूरा ये शिविर 7 दिन आप भाव और विचार को ही सुनोगे। संज्ञानशीलता का मतलब ही है कि आपका भाव और विचार आपके लिए भी सुखदायी हो और दूसरों के लिए भी सुखदायी हो। एक जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं वहां पे भी देती थी कि जैसे मेरे को मैं किसी जगह पे मतलब 10 मिनट का वॉक है और मैं वॉक कर, वैसे ये मतलब प्रकृति से जुड़ता है, मानव से नहीं जुड़ता है, पर फिर भी और मतलब आपके समझने में हो सकता है कि ये सहयोगी हो कि मैं वॉक करके भी जा सकती हूँ और गाड़ी लेके भी जा सकती हूँ। अब वो मेरे लिए सुखदायी कि मैं गाड़ी लेके जाऊँ, मुझे मेरे शरीर को थोड़ा कम चलना पड़े, लेकिन अगर मैं इस पे सोचूंगी कि ये दूसरों के लिए भी सुखदायी है या तो शायद मुझे जब मैं इन चारों आयामों में सोचूंगी, स्वयं पे, परिवार पे, समाज पे और प्रकृति पे, तो मुझे लगेगा कि नहीं मतलब सहअस्तित्व तो इसमें है या प्रकृति में संतुलन इसी में बनेगा कि मैं पैदल ही चली जाऊँ, जहाँ पे भी मैं रिसोर्सेस का कम यूज कर सकती हूँ या बचा सकती हूँ तो मैं बचाऊँ। तो ये जो स्वयं के लिए भी सुखदायी हो और सभी के लिए सुखदायी हो, अगर इस लाइन को आप पकड़ते हो तो आप हमेशा इसको इसी तरीके से जांचते रहोगे कि क्या सभी के लिए सुखदायी है, क्या मेरे लिए सुखदायी है, फिर इसके लिए दूसरे के लिए भी सुखदायी है, पहले आप परिवार के बारे में सोचोगे, फिर समाज के बारे में और फिर इस पूरे एग्जिस्टेंस के बारे में। तो भाव क्या है कि भव की स्वीकृति ही भाव है, जो जैसा है उसको वैसा जान लेना ही और उसको स्वीकार कर लेना ही भाव है। तो एक जैसे अभी जैसे जो कल भैया एग्जाम्पल दे रहे थे कि शादी से पहले तो हम लोग को सब बहुत ही अच्छा रोजी रोजी लगता है, उसके बाद फिर मतलब वही जो जिस वजह से आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसको भी जैसे कल हम लोग गोष्ठी में भी रात को चर्चा कर रहे थे, तो यही बात आ रही थी कि होता क्या है कि पहले आपने उस व्यक्ति को 100% स्वीकार कर रखा होता है, 100% स्वीकार किया तो पूरा भाव आया, फिर शादी हो गई, साथ में रहने लग गए, फिर कि ये तो पहले बताया नहीं था, ये तो दिख रहा है, ये तो ऐसे हुआ नहीं, तो
जैसे आप अभी बता रहे थे, तो वो भाव धीरे 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 कम होने लग जाता है। तो 20% पे, 10% पे, 30% पे फिर कोई शिविर में आता है और हम लाइसेंस को रिन्यू कराते हैं। तो जैसा मतलब जिसमें केवल व्यक्ति के बारे में नहीं है, हम पूरे एग्जिस्टेंस को भी जिस तरीके से पूरा स्वीकार करेंगे, जितना स्वीकार करेंगे उतना हमारा भाव होगा। तो ये भाव कैसे सबके प्रति, जो जैसा है उसके प्रति, एग्जिस्टेंस में जैसा है उसके प्रति हमारा 24 घंटे बना रहे, इसी की ये पूरी जर्नी है। तो जब व्यवस्था की हमने बात की कि व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था की स्वीकृति ही सुख है, तो व्यवस्था क्या है? तो व्यवस्था हमने चार आयामों में देखी, मानव में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था और एग्जिस्टेंस में, नेचर में व्यवस्था। इसके लिए फिर भैया ने डमरू बनाया, आप सबको ध्यान होगा। वो डमरू ऊपर जो था उसमें सब ब्लू लाइन से कनेक्ट हो रहा था और नीचे जो डमरू था वो रेड लाइन से कनेक्ट हो रहा था। ऊपर क्या था, चार अवस्थाएं हैं, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो इन चारों को हम देखें तो वो चारों एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इसीलिए वो जो बहुत ही, हम जैन भवन में बैठे हुए हैं और हम बचपन से ये कहते हुए बड़े हुए हैं कि जियो और जीने दो, लेकिन यहाँ आके वो लाइन चेंज होती है कि जीने दो और जियो, आप कॉम्प्लीमेंट करो वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो जो उपयोगिता पूरकता का हम कंसेप्ट अभी थोड़ा, मैं मतलब कुछ वैसी भी शब्दावली का उपयोग कर रही हूँ जो थोड़ा एडवांस स्टेज पे आती है, तो जो ये कॉम्प्लीमेंटशिप को हम फील कर पाते हैं प्रकृति में। और जब मैंने पहली बार इसको समझा था, मैं जैसे उदयपुर में बहुत ही अच्छी नेचुरल प्लेस पे रहती हूँ, एकदम लेक है मेरे सामने, तो मैं उसको और ऑब्जर्व करने लग गई कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, मतलब मेरा मतलब नेचर को देखने का एंगल ही चेंज हो गया जब मैंने इसको समझा था। और जब मैं उसको उस तरीके से और देखने लगी तो मुझे समझ में आया कि अरे ये मतलब कितना ज़्यादा नेचर, कितना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, कोई विरोध नहीं है, कोई वो, जबकि जैसे इसको आप पहले किसी के सामने रखो तो उसका बोलते नहीं नहीं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसे देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक ऑर्डर में हो रहा है, सब कुछ एक व्यवस्था में हो रहा है। तो सबके ऑब्जर्वेशन को शार्प करने की जरूरत है, आप जितना उसको शार्प करोगे आपको वो दिखेगा। अब जब हम ज्ञानावस्था पे आते हैं, जब जो मानव है, मानव ने क्या किया, मानव ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई, समाज बनाया, परिवार बनाया और दूसरी तरह की व्यवस्थाएं बनाई, स्कूल्स बना दिए, धार्मिक व्यवस्थाएं बना दी, राजनीतिक व्यवस्थाएं बना दी, जितनी भी सारी व्यवस्थाएं उसने बनाई उसमें हम देखेंगे तो सब जगह विरोध ही विरोध है, सब रेड लाइन से कनेक्ट हो रहा है। मानव सोचता है कि समाज मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है और समाज सोचता है कि मानव मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। समाज परिवारों के लिए सोचता है कि परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, परिवारों को लगता है कि समाज किस काम का, हर चीज़ तो हमें पैसे से ही करनी पड़ रही है। उसके बाद आज जैसे हमारी जनरेशन है और मेरे बाद वाली जनरेशन तो बहुत ही ज़्यादा रिबेल है कि उसने हर तरह की व्यवस्था पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया है। हम डी स्कूलिंग पे चले गए कि स्कूल में नहीं भेजना है, भगवान को हम मानते नहीं हैं, नीचे जो सामाजिक जितनी भी व्यवस्थाएं थी, शादी है, परिवार है, उसको हमने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि करना क्यों है, क्योंकि प्रयोजन कहीं पे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब प्रयोजन हमें कहाँ जाके देखना था, नेचर में, कि नेचर में सब एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किस प्रयोजन के साथ है, वो हमने देखा नहीं। और हमने हमारी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, जो दो अलग एंटिटीज हैं हमारे पास, या दो अलग फैकल्टीज हैं हमारे पास जो हमें पशुओं से अलग करती है, उसको हमने पूरा का पूरा हमारे इंद्रिय सुख में और रूप पर धन बल से सम्मान पाने में लगा दिया। तो बेसिकली मानव का प्रयोजन यही था कि जो जैसा अस्तित्व में था हमें उसको समझ के, उस नियम को समझ के उसी तरीके से जीना था। जैसा कि भैया बहुत बोलते, मतलब मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, मानव बनना था और मानव बनाना था, वो हम कर नहीं रहे थे और इसी वजह से सब कुछ रेड 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 हो रहा है। तो ये मानव में व्यवस्था थी, आज उसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए मेरा ये भी सोचना है कि जिन लोगों ने अपने आप को इन्वेस्ट किया है ना, जब वो बोलता है तो वो कनेक्ट होता है, जिन्होंने अपने आप को खपाया है कहीं, केवल वो भाषा नहीं छूती है, कोई भाव छू रहा होता है और भाव ही एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा होता है। बहुत बढ़िया, मैंने भी आपको पहली बार सुना। ये जो इतने साल की खपाई थी सिस्टम के साथ, जो जूझना था, वो जूझने से अपने भीतर एक स्पेस बनता है, पात्रता बनता है कि फिर क्या है,
जो था मैंने सब तो करके देख लिया। जब मैं नौकरी करता था तो मुझको लगता था कि नौकरी छूट जाए कैसे भी और मेरे को 24 घंटा मिल जाए तो बहुत कुछ कर देंगे। एक दिन रिजाइन कर दिया, फुल टाइम खाली हो गए। फुल टाइम खाली हो गए तो केवल 7 साल तक यही समझ में आया कि कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी हिलता डुलता नहीं है और प्रॉब्लम के रूट ही समझने में इतने साल लगे। लेकिन उसमें जो स्ट्रगल हुई, उसमें जो फाइनेंशियल स्ट्रगल थी, जो सम्मान की स्ट्रगल थी, जो फैमिली में स्ट्रगल थी, जो भविष्य की स्ट्रगल थी, ये तमाम उठा पटक ने जिंदगी का हर कोने को खंगाल खंगाल के कहीं कोई समाधान बचा है तो लाओ, सब खाली कर दिया। ये जो पात्रता क्रिएट होती है अपने भीतर, ये वो जगह बनती है कि जब कोई काम की चीज आती है तो उसको हम वैल्यू कर देते। तो आपका भाव का मैं दिल से सम्मान करता हूं, लेकिन ताली बजाने से कृतज्ञता नहीं होगा। कृतज्ञता तो इस बात से होगा यदि कोई बात ठीक से मिली है तो उसके लिए जीवन अर्पित किया जाए। इससे कम में क्या मजा है। तो बढ़िया, देखो हम लोगों ने जिंदगी की कीमत चुकाई है और जब मिली है तो उसकी वैल्यू कर पाते हैं। इससे हमारी जिंदगी में कोई बड़े बदलाव आए हैं, इससे हजारों की जिंदगी में कोई बड़े बदलाव आए हैं। कोई हम पे शंका करे, हमको भरोसा करे, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको पता है कि इससे संसार में फर्क पड़ेगा, सरकारें बदलेंगी, समाज बदलेगा। समय 20 साल लगे, 50 साल लगे, तो उतना धैर्य रख के ही चल रहे हैं कि समय सीमा का मामला नहीं है। जो सही है उसको जम के किया जाए, पूरी ताकत के साथ किया जाए, जो होगा आगे देखेंगे और ठीक ही होगा। चलिए, बहुत सुखद। तो आज की यात्रा शुरू करते हैं। तो देखिए, कल की यात्रा में हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं एक एहसास आपके पास और छोड़ देता हूँ। देखो, हम सारी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमको लगता है कि अभी हमारे भाव और विचार में अस्थिरता है। कोई भी भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता लगातार मेरी मनस्थिति को हिलाते डुलाती रहती है। और मेरे कुछ अनुकूल हो गया तो मेरे को अच्छा लगता है, और थोड़ा सा भी कुछ प्रतिकूल हुआ तो मेरा पूरा आधार हिल जाता है। और इस तरह की उठापटक मेरे भीतर चलती रहती है, हलचल मेरे भीतर चलती रहती है। इससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। उसी को बोला कि मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी हो, हमेशा मेरे पास एक प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन हो, ऐसी किसी मनस्थिति को हम पाना चाहते हैं। अब देखें तो अब तक हमने जितना किया उसमें हम कैसे उसको पा रहे हैं, वो आपको फील में आ जाए, ताकि जब आगे चलेंगे तो आप चूके मन चीज सामने से आके निकल मत जाए, आप उसको पकड़ पाए। तो जैसे अभी तक हम स्वयं को शरीर मान के जी रहे हैं और इंद्रियों से सुखी होने का प्रयास और रूप बल धन पद से सुखी होने का प्रयास है, और ये तमाम चीजें बदल रही हैं, और जबकि मैं निरंतरता चाहता हूँ, तो इससे ये समझ में आया कि मैंने जिन चीजों को स्वीकारा है, भव की स्वीकृति भाव, तो जिन चीजों को मैंने स्वीकारा है वो चीज ही बदल रही है। इसलिए भाव भी कैसा होगा, स्थिर होगा कि बदलने वाला होगा? बदलने वाला होगा। मैं चाहता हूं कि मेरी शक्ल ऐसी ही दिखती रहे जैसी 25 में दिखती थी, ऐसा मेरा भाव है। अब ये रुकेगा क्या? ये नहीं रुक सकता है, ये बदलेगा। तो मेरा जो भी कोई भी इंद्रिय सुख दुनिया में ऐसा नहीं है जो एक आदमी को पूरी जिंदगी एक समान सुख दे सके, ऐसी किसी की औकात नहीं। कोई भी इंद्रिय सुख ऐसा नहीं है जो दुनिया के सभी लोगों को किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक समान सुख देता। ये सब कंक्लूजन हमारे पास हैं, लेकिन हमारे कंक्लूजन हमको स्वीकार हो जाए और आचरण का हिस्सा हो जाए, ये थोड़ी और आगे की बात है। तो इससे हमको पता चला कि जो कुछ भी अब तक हमारा माना हुआ है, हमारा जीने का संसार है, उसमें अपेक्षा स्थिरता की है, परमानेंसी की है, और जिन आधारों को माना हुआ है वो सारा ही परिवर्तनशील है। इसलिए भाव और विचार स्थिर होगा कि लगातार बदलता रहेगा, और वो हमेशा किसी के कंपैरिजन में है। और हमेशा यदि अपने शरीर से भी सुख पाना चाहता हूँ तो शरीर हमेशा सुख देने के लिए उसकी सीमा है।
तो ये सारे लिमिटेशन हमको दिखाई देते हैं। अब अपने प्लेटफॉर्म बदला और धीरे धीरे कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। कल हमने फाइनली उस पॉइंट पर चर्चा किया था कि मानव की एक महिमा है, वो जैसा मानता है वैसा जीता है। यदि मानने की निरंतरता हो जाए तो भाव की भी निरंतरता हो जाएगी। तो हमने पहला प्रस्ताव आपके सामने रखा कि जीने का मतलब है कि दो ही प्रश्न है, अब खूब हिला के देखो, तीसरा नहीं निकलता है। तो एक जगह में स्थिरता आई, वही दो ही प्रश्न है, कहीं तो पैर रखने की जगह मिली, कहीं तो ठोस जमीन मिली, कि दो ही प्रश्न है, इससे ज्यादा और कुछ मामला नहीं है। तो एक जगह ठोस जमीन मिली कि जीने का मतलब है दो ही प्रश्न है, आगे चलना शुरू किया। क्यों जीना है? कुछ भी करें, अच्छा करें बुरा करें, सुख की तलाश। तो एक और ठोस जमीन मिली, और ये मेरे लिए मिली कि दुनिया के सभी मानव के लिए मिली? दुनिया के सभी मानव के लिए मिली। तो दुनिया के सभी मानव ऐसे ही हैं, वो सुख की निरंतरता ही चाहते हैं। फिर और आगे चले कि सुख क्या है। तो अब तक लगता था कि सुख सबके लिए अलग अलग है। सुख सबके लिए अलग अलग है कि सुख को भोगने का तरीका अभी सबके लिए अलग अलग है? भोगने का तरीका अलग अलग है, सुख तो वही है जिसमें आपकी स्वीकृति है, जिस क्षण स्वीकृति है उस क्षण वही आपके लिए सुख है। आप शिविर करना चाहते हो तो शिविर करना आपके लिए सुख है, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करना सुख है, उस क्षण। सही गलत की चर्चा नहीं हो रही। तो इससे ये पता चला कि सुखी होने का नियम तो सबके लिए एक ही जैसा है। फिर ये पता चला कि यदि मैं सुख की निरंतरता चाहता हूं तो उसके लिए आवश्यक है कि स्वीकृतियों की निरंतरता हो जाए। अब स्वीकृति की निरंतरता किसके लिए होगी? तो पता चले वो व्यवस्था के लिए होगी। तो धीरे धीरे, तो अब तक हम क्या गैप है दोनों में, जिंदा रहने और जीने में क्या गैप है? जिंदा रहने में हमने जिन आधारों को पकड़ा हुआ था वो चीज ही बदलने वाली थी। क्या पकड़ा हुआ था? क्या पकड़ा हुआ था? शरीर, शरीर, शरीर ही बदलने वाली चीज है। जीने में हम किस आधार को पकड़ रहे हैं? नियम, नियम जो कि कभी बदलता ही नहीं। यदि मैंने उस नियम को पकड़ लिया, यदि नियम नहीं बदलता है और नियम की स्वीकृति भाव है तो भाव भी नहीं बदलेगा, इतना काम कर रहा है। तो हमको टेक्निकली पकड़ में आ जाए कि हम इस पूरी प्रक्रिया में कोशिश क्या कर रहे हैं। तो सारी कोशिश मात्र एक लाइन की है कि भाव की स्वीकृति भाव है, यदि भाव परिवर्तनशील है तो भाव परिवर्तनशील होगा, यदि भाव स्थिर है तो भाव भी स्थिर होगा। भाव मतलब नियम। यदि मैं अस्तित्व के उस नियम को पहचान लेता हूं जो मानव के सुख दुख से भी जुड़ा हुआ है, संपूर्ण से जुड़ा हुआ है, उस नियम को पहचानने के बाद मेरा भाव और विचार स्थिर हो जाता है। बस इतना ही काम। कौन बोल के बताएगा? कैश पेमेंट का धंधा है ये, उधारी का काम नहीं। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? माइक। ऐसा बोला कि कुदरत के नियम को समझेंगे तो अपने भाव और विचार स्टेबल हो जाएंगे। बढ़िया। किसी को एक दिन संसार से पति पत्नी दोनों साथ में जाएंगे कि दोनों अलग अलग जाएंगे? अलग अलग। एक दिन एक को जाना ही है, दूसरा रहेगा ही, अभी से तैयारी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको खुश कर नहीं सकती है। रोना गाना करो, किसी के गले पड़ जाओ, परेशान हो परेशान करो। तो हर एक आदमी का खुश रहना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। हर आदमी का खुश रहना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है, और यही उसके इस धरती पे मानव होने का मतलब है। आज समझ में आ जाए, कल समझ में आ जाए, परसों समझ में आ जाए, सार इतना है। इसलिए अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाया जाए। जमीन पे गिर गया तो चींटी मार दी,
मैंने थप्पड़ मार दिया, चुप हो जा, नहीं उसको बताओ, ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे ही गिरते हैं, और आपस में भी ज्यादा रोने गाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अपन क्लियरली चलेंगे तो सामने वाले को पिक्चर दिखाई देगी, क्लियर पिक्चर क्या होते हैं। हम भी कन्फ्यूजन में चल रहे होते हैं, सामने वाला भी कन्फ्यूजन में चल रहा होता है, हमको अपना कन्फ्यूजन ठीक लगता है, उसका कन्फ्यूजन गलत लगता है, तो हम दूसरे को सुधारते हैं, दूसरा हमको सुधारता है, ना हम सुधरते हैं ना वो सुधरता है, कुल मिला के नहीं यार पार हो जाते। बढ़िया, ठीक है, काफी अच्छी ग्राउंडिंग बन रही है। देखो मैं भी इस बात को ना बहुत साल से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ही देख रहा हूँ कि मैं भी हर शिविर में इम्प्रूव करता हूँ। उसी बात को कितना टारगेटेड कहा जा सकता है, मतलब कितनी बात कितनी गोली की तरह जा सकती है, और जो बिल्कुल आपको दिख जाता है हाँ ये तो ऐसा आदमी बहुत ईमानदार है, एक बार उसको दिख गया ये मामला ऐसा ही है तो शुरू हो जाता है। जब तक वो कंफ्यूजन रहता है तब तक वो शुरू नहीं होगा। तो आदमी बाय नेचर ईमानदार है, एक बार उसकी क्लैरिटी बन गई वो अपनी जिंदगी शुरू कर दे। तो मेरे को लगता है कि इतनी है ना, इतनी 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 महिमा संपन्न, इतनी महिमा संपन्न कोई बात, इतना महिमा संपन्न मानव, इतनी महिमा संपन्न ये सृष्टि, उसमें हम रोना गाना करें ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये तो हर दिन हर क्षण वो धन्यवाद देने के लिए है कि यार तूने क्या बना दिया, या ये क्या बन गया, ये मैं क्या चीज हूं, ये तो हर क्षण खुश होने की बात है। तो उस खुशी को हम कैसे पाए, और अपना ये जो हमने ड्राइविंग सीट दूसरे को दे रखा है, कभी पति को बोलते हैं तू चला ले, कभी सास को बोलते हैं तू चला ले, कभी पड़ोसी को बोलते हैं तू चला ले, है ना, तो इस ड्राइविंग सीट पे अपने को बैठना है। हम बैठेंगे तो रास्ते निकल आएंगे। ये बिल्कुल हो सकता है कि अभी हमारी योग्यता सामने वाले से निपटने की नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ी बात समझ में आने से थोड़ा सा अप्रभावित रह सकते हैं, रास्ते निकल आएंगे, लेकिन हम चलना शुरू करें तो रास्ते निकल आएंगे। हो सकता है 2 साल लगेगा, किसी रिश्ते में 10 साल भी लगेगा, मेरे कोई कोई रिश्ते में मेरे को 25-25 साल लगे घर में ही। ठीक है, हम लोग थोड़े पुराने वाले मॉडल हैं, अब हो सकता है आगे आने वाले समय में स्पीड बढ़ जाए। चलिए, तो आपको ये ध्यान दिलाया कि अभी तक हमारा आधार ही बदलने वाला था, इसलिए भाव भी बदल रहा था। अब हमारा आधार स्थिर मिलेगा तो हमारा भाव भी स्थिर हो जाएगा, तो कोई खास बात नहीं है, कोई रहस्यमयी बात नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, वो सभी का होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमने चर्चा करने की बात रखी है, आज हम चर्चा करेंगे कि सुख क्या है। तो ये ध्यान में आ गया कि समाधान बराबर सुख है। समाधान क्या है, व्यवस्था को समझना समाधान है, ये समझना अपने आप में सुखदायी काम है। कितने लोग के ध्यान में आ गया कि समझना सुखदायी काम है ना। जैसे अभी मैंने 2 लाइनें बोली, 2 लाइनें बोलने से ऐसा नहीं है कि आपको सुना के मुझको अच्छा लगा, मेरा ध्यान जाता है तो मुझको भी उतना ही आराम मिलता है, यह हर क्षण आराम का काम है ना। तो समझना अपने आप में सुखदायी काम है, क्योंकि मानव और पशु में अंतर इतना ही है कि मानव में समझने की ताकत है, और समझने की ताकत को अभी तक हमने समझने में लगाया नहीं है, खाने पीने में लगाया, आहार निद्रा भय और प्रजनन, इसमें तृप्ति नहीं मिलेगा समझने की ताकत को, क्योंकि समझने की ताकत सीमित है कि असीमित है, असीमित है। आहार निद्रा भय प्रजनन सीमित है कि असीमित है, सीमित है। हमने क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, असीमित को सीमित में लगा रखा है। अब बताओ तृप्ति होगी क्या, तो तृप्ति कहां मिलेगी, असीमित को असीमित में ही लगाना होगा। असीमित मतलब ये पूरी कायनात,
नियम 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 अपने आप में सीमित चीज है कि असीमित चीज है? नियम असीमित है। तो असीमित को जब तक असीमित में इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसको तृप्ति नहीं मिलेगा, उसको मतलब मुझको तृप्ति नहीं मिलेगा। तो इसलिए व्यवस्था को समझना सुख है। व्यवस्था को कहाँ कहाँ समझना है? तो मानव में व्यवस्था को समझना है, परिवार में व्यवस्था को समझना है, समाज में व्यवस्था को समझना है और प्रकृति में व्यवस्था को समझना है। इतना हमारा सिलेबस है जिसमें हम मानव पे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो आज हम मानव से शुरू करते हैं। तो इस पूरी चर्चा में किसी चीज को समझना है तो उसकी आवश्यकता से समझने का काम शुरू कर सकते हैं। मानव की आवश्यकता की बात करते हैं तो यदि भौतिक आवश्यकता की बात करते हैं तो जिस तरह का अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं उसमें हमको पढ़ाया गया है कि आवश्यकता असीम है और साधन सीमित है। आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, कितने लोगों ने पढ़ा? सभी ने पढ़ा है। इसको सुनते ही तुरंत हमको लगता है कि मैं अपनी आवश्यकता, मेरी आवश्यकताएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी। तुरंत अपने भीतर एक असुरक्षा आती है। जैसी असुरक्षा आती है हम भयभीत होते हैं और जैसी भयभीत होते हैं जिस चीज से भयभीत होते हैं उसका संग्रह करने की ओर जाते हैं। जिसका संग्रह करते हैं उसका शोषण करना एक आवश्यकता बनता है और जिसका जिसका शोषण होता है वो इसका विरोध करता है और फाइनली ये और अधिक अव्यवस्था की ओर जाता है और फाइनली ये दुख की ओर जाता है। थोड़ा बड़ा कर दो। है ना? तो देखो कितने लोग हैं यहाँ अभी जो पहली बार शिविर कर रहे हैं, हाथ उठाइए। पहली बार शिविर कर रहे हैं तो ये रॉबिन्स नाम का व्यक्ति ने हमको कहा और लगभग सभी बोर्ड्स में नाइन्थ क्लास में इसको पढ़ाया जाता है। तो नाइन्थ क्लास को पढ़ाने वाला टीचर जो इकोनॉमिक्स पढ़ाने आता है वो सुखी होने के लिए पढ़ाता है कि दुखी होने के लिए? और जो बच्चा पढ़ने आया वो सुखी होने के लिए आया कि दुखी होने के लिए? और उसको क्या पढ़ाता है? कि तुम्हारा दुखी रहना निश्चित है। ऐसा हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, ऐसे ही हम समाजशास्त्र में पढ़ाते हैं और ऐसे ही हम मनोविज्ञान में पढ़ाते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय की सीमा है, लेकिन मनोविज्ञान में फ्रेडियन साइकोलॉजी सबसे अधिक पढ़ाई गई, जिसमें मूलतः ये कहा जाता है कि मानव के समस्त क्रियाकलाप का केंद्र काम है ना? बच्चा भी यदि माँ से दूध पीता है तो वो वासना से प्रेरित होता है, ऐसा कहा गया। ठीक, तो यदि मानव को ऐसा परिभाषित कर दें तो फिर रिश्तों के लिए कोई जगह बचती ही नहीं। ये बात ठीक है कि जब गहरे में आदमी स्वयं को शरीर मानता है तो इंद्रिय सुख ही उसके लिए सारा सुख है, इसको हम होते हुए भी देखते हैं। लेकिन मानव केवल इतना ही नहीं है, मानव किसी समय में अपने आप को मानव के रूप में पहचानता है, रिश्तों के रूप में पहचानता है, इस पूरी सृष्टि को पहचानता है। तो मानव की जो मिनिमम औकात है, जो मिनिमम हैसियत है, जो भ्रमित स्थिति है, उसको फ्रायड कोट करता है और उस आचरण को जनरल आचरण के रूप में इस्टेब्लिश कर देता है। तो आप पाएंगे कि आज भी हम इसी को पढ़ाते हैं और आप पाएंगे हमारी तमाम फिल्में, तमाम हमारे एडवर्टीजमेंट हिंसा और सेक्स पे ही टिके होते हैं, क्योंकि आदमी इन्हीं को देखना चाहता है, इसी से प्रभावित होता है। उसके भीतर भय है, जब हीरो सबकी पिटाई करता है तो अपने भीतर वो है ना एक खुश होने का भाव कि अन्याय को कोई हटा रहा है, या अपने भीतर में वो हीरोइज्म को फील करने लगता है। तो
तो इसका मतलब है कि चाहे हम साइकोलॉजी पढ़ाएं, चाहे हम सोशियोलॉजी पढ़ाएं, सोशियोलॉजी में भी हमने डार्विन को पढ़ा है। डार्विन कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसी को दूसरा सोशल साइंटिस्ट समाज पर परिभाषित करता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है जिसके पास मनी पावर होगा, मसल पावर होगा, आर्म्स पावर होगा, वही सब पे रूल करेगा। आज भी देख लीजिए, रिसेंट सारी स्थितियाँ यही हैं कि देशों की सीमाएं किसी समझदारी से तय होती हैं कि डंडे से तय होती हैं। तो आज भी विश्व में समझदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, UNO नाम की कोई चीज़ नहीं है, है ना। सभी देशों की सीमाएं डंडे से तय होती हैं, जिसका डंडा बड़ा होता है वो अपनी सीमा बढ़ा लेता है। तो इस युग तक हमारे पास समझ नाम की कोई चीज विश्व में एग्जिस्ट नहीं करती है, डंडा ही एग्जिस्ट करता है। इसलिए एजुकेशन पे 2% खर्च होता है और आर्मी पे, डिफेंस पे 30% खर्च होता है। किसी भी देश का डिफेंस का बजट सबसे बड़ा बजट है ना। और किसी भी देश का, अधिकांश देशों के एजुकेशन के बजट 6% से ऊपर मेरे ख्याल से नहीं है। केवल दिल्ली गवर्नमेंट को छोड़ दें जहां एजुकेशन का बजट 26% पिछले 7 साल से मेंटेन है, क्योंकि कम से कम किसी एक व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि हाँ, आदमी पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इन सारी बातों को देखते हैं तो हम एक प्रॉब्लम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब 11th CBSE की बुक में द डिलेमा ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको मैंने आपके सामने कहने की कोशिश की। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन की ओर चले तो मानव की आवश्यकता को फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि मानव की कुल आवश्यकताएं कैसी हैं। मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, इसको बहुत विस्तार से करते हैं बड़े शिविर में। तो शॉर्ट में देखें तो मानव की आवश्यकता को देखें तो मानव की दो प्रकार की आवश्यकता है। मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक प्रकार की आवश्यकता उसकी भौतिक है, दूसरे प्रकार की आवश्यकता उसकी भाव है। जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको दो भाग में बांटा जा सकता है ना। भौतिक आवश्यकता का मतलब क्या है, जिसको कह रहे हैं कि भाई रोटी है, कपड़ा है, मकान है, गाड़ी है, मोबाइल है। भाव की बात करें तो विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, ममता है, प्रेम है, है ना। तो ये मानव की ये दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। तो क्या लगता है, ये दो प्रकार की आवश्यकताएं बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना। ये दो प्रकार की मानव आवश्यकताएं सभी मानव में बिल्कुल अलग अलग हैं। शरीर के जिंदा रहने के लिए भाव की आवश्यकता, भाव की आवश्यकता मेरे लिए है, मन के लिए है, और ये जीने के लिए। तो ये भी समझ में आया कि भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। दोनों की अलग अलग आवश्यकता है, अलग अलग उनका पर्पस है। भौतिक आवश्यकताओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम भौतिक वस्तुओं से भाव पाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। डिफरेंशिएट करके देखिए कैसे अलग अलग है, दोनों में क्या अंतर है। ये गुणात्मक है। Yes. एक ड्रम प्यार ऐसा नहीं बोल सकते, एक किलो प्यार ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये मात्रात्मक है, ये गुणात्मक है, और क्या अंतर है।
ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में फटाफट लिख डालिए, अपनी अपनी कॉपी में फटाफट लिख डालिए, और 10 होने के पहले रुकना नहीं, 10 डिफरेंस लिखने के पहले रुकना नहीं। दोनों में क्या अंतर है, कितने डिफरेंस आप लिख सकते हैं, लिखने की कोशिश करें। जो भौतिक सुख है वो सुख लिमिटेड है, इससे मिलने वाला सुख क्षणिक है, किधर निरंतरता है। इसमें सुख चेंज होता रहता है, भौतिक सुख बदलता रहता है, इसलिए इसको लिखते हैं कि ये अच्छा लगना है, ये अच्छा होना है। अच्छा लगना जो है बदलता है, भौतिक सुख में तृप्ति नहीं होती, क्षणिक में आ गया, क्षणिक में आ गया। भौतिक सुख से हम दूसरों को इंप्रेस करते हैं, जबकि अपना स्पिरिचुअल सुख से हम खुद को अपलिफ्ट करते हैं, वो क्षणिक सुख है। चलो इसको मैं टेक्निकली ऐसा लिख देता हूं, ये पर प्रभाव है, ये स्व प्रभाव है। ये लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड, क्षणिक, क्षणिक सुख लिमिटेड, क्षणिक सुख। ओके जी, हाँ जी, माइक चेंज कीजिए, माइक आगे दीजिए। इसको हम खरीद सकते हैं, और बोलिए। फिजिकल इलनेस जो आपका लिखा हुआ है, जो आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये फिजिकल इलनेस आती है, उसमें मेंटल इलनेस आती है, है? मान लो कि आपको शारीरिक भौतिक सुख नहीं मिलता है, तो आपको मांगी आएगी, तो शरीर की मांगी आएगी, इलनेस। समझ की बात करते हैं, यहाँ समझ की बात है, आशा की बात है, यहाँ विचार की बात है, ये इस तरह की बात है। इधर हम इंद्रियों की बात करते हैं, इंद्रियां शरीर में हैं, लेकिन इंद्रियों को भोगने वाला मैं ही हूं, ये बात भी ध्यान में रहे। हाँ जी, भौतिक सुख समय में है और भाव समय अतीत है। थोड़ा माइंड दूर कर दीजिए, भौतिक सुख समय समय के भीतर है, ये जो है भाव समय अतीत है, ये जो है सामयिक है, समय अनुसार है, खाने के समय खाना, ये हमेशा है, ये सबके लिए अलग अलग है, ये सबके लिए अलग अलग है, ये सबके लिए हमेशा एक एक जैसा है। हाँ जी सर, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, इसको स्थूल बोलते हैं, इसको सूक्ष्म बोलते हैं। सर एक धन पद बल से है भौतिक सुख, नियम से विरुद्ध है भौतिक, और वो नियम में है। हाँ, भौतिक जो है वो नियम से विरुद्ध है, और वो अच्छा नियम में है, भौतिक नियम के विरुद्ध है। कहाँ हो तो? भौतिक सुख नियम के विरुद्ध है, खाना खाते में स्वाद का पता चलता है, नियम के विरुद्ध है, क्योंकि हम तृप्त नहीं हो पाएंगे, क्षणिक में आ जाएगा। अच्छा, वो क्षणिक, कितना दम लगा के बोलते हो, इतना सही होता है। मैं सोचा मान जाओगे आप, मैं क्या करूं। सर विनाशी है और ये अविनाशी है, परिवर्तनशील है, आगे भी नहीं आया,
स्थूल में आ गया, स्थूल है सूक्ष्म है, परिवर्तनशील लिख सकते, डेप्रिशिएबल नॉट डेप्रिशिएबल, हाँ डेप्रिशिएबल डेप्रिशिएबल, क्या लिखे इसको, डेप्रिशिएबल मतलब परिवर्तनशील में आएगा, नहीं आएगा मतलब, फिर वो परिवर्तनशील में आ जाएगा, परिवर्तन सुनते नहीं हो, पांच बार बोल चुका हूं कि नेचुरल डिफरेंस लिखना है, वो चोर चोरी चोरी करने के काम सोचो है, विजिबल है, इसको देख सकते हैं उसको देख नहीं सकते, बढ़िया सर, ये भौतिक है वो कोई भी हो चलेगा, जैसे वहां विश्वास चाहिए वहां विश्वास ही, पर जहाँ कपड़ा चाहिए वहाँ कपड़ा ही चाहिए, हाँ। कलर कोई भी ले लो पर कपड़ा तो चाहिए, ठंडी लगेगी तो कपड़े के बिना नहीं चलता है, लेकिन भाव परमानेंट रियल हैप्पीनेस बन सकता है, लिखा है क्षणिक सुख, बोर्ड भी देखते जाओ, मतलब उसका कोई आकार नहीं, नियम का कोई आकार नहीं है ना, 6x6 का नियम है ऐसा नहीं, तो जब नियम को कह रहे हैं तो नियम एक शाश्वत क्रिया को हम देख रहे हैं, तो उस सेंस में उसको असीम कह रहे हैं, ठीक है आपके बात, हाँ जी और बोलिए और कुछ, और भौतिक है वो जिंदा रहने के काम में है, फिर से बोलिए, जिंदा रहने के लिए भौतिक जो वस्तुएं हैं और वो जीने के लिए हैं, और देखो ऊपर लाल रंग से, शरीर के जिंदा रहने के लिए भौतिक वस्तु है और मन के जीने के लिए, है ना, बढ़िया और बोलिए, हो गया निपट गए, चलिए धन्यवाद भैया, धन्यवाद, आवश्यकता है वो दो चीज में बनी हुई है, भौतिक और भाव, और जो भौतिक चीजें हैं वो हमें जिंदा रहने के लिए और लिमिटेड हमारी उपयोग है उसका, और जो भाव है वो हमें निरंतर चाहिए और सबके पास में चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें एक व्यक्ति से चाहिए और दूसरे से नहीं चाहिए, लेकिन जो भौतिक है वो हमने खाना खा लिया तो फिर हम बाद में खाना खाने के बाद थोड़ी देर में ही खाना नहीं खाते, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तभी खाते, ऐसा नहीं कि हमें किसी ने ऑफर किया, सामयिक समय अनुसार, समय अनुसार, बढ़िया बढ़िया गुड, हाँ जी और कुछ, तो इससे क्या समझ में आया, हमारी दौड़ सब जिंदा रहने की चीजों में ज्यादा है क्योंकि वो दिखाई देती है, महसूस होती है, क्वांटिफाइबल है, जबकि ये सारी चीजें इंटेंजिबल है, महसूस वाली चीजें हैं, शायद उसमें अपना फोकस नहीं है, हमारे दुख किधर से आ रहे हैं, दुख है, दुख कहाँ से आ रहे हैं, भौतिक वस्तु से दुख आ रहे हैं, भौतिक वस्तु से दुख आ रहे, कोई भौतिक वस्तु दुख दी, कोई कूलर आके बोला तुम दुखी हो जाओ, एसी बोला मैं तुमको दुख देना चाहता हूँ, कार बोली तुम दुखी हो जाओ, इसलिए बोलता हूँ खाकरा बाबरा के अलावा ये दुनिया कहीं नहीं, तो भौतिक वस्तु मुझको दुखी करती है कि भौतिक वस्तु मेरी समझ के कारण मैं भौतिक वस्तुओं से दुखी होता हूं, तो मेरी समझ के कारण मैं दुखी होता हूं, भौतिक वस्तु दुखी नहीं करती, ऐसी बात समझ में, हाँ जी तो इस चर्चा से हमारा ध्यान इस बात पे चला गया, हाँ जी थोड़ा बच्चों को देखें, है ना, एक जन समझे एक बच्चे समझे, तो इस चर्चा में एक बिंदु ये आया कि हम भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, ठीक है, ऐसा संसार में अधिकांश लोग मानते हैं, ठीक, तो
तो इस पर थोड़ी चर्चा करके देखते हैं कि वाकई में खरीदने का क्या मतलब होता है। एक माइक ले लो, इन्हीं को दो, बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन वहाँ पिछले सालों में पेट्रोल को लेकर लगातार बात होती रहती है। तो हमने 1 लीटर पेट्रोल खरीदा और 100 रुपया पे किया, ठीक है। तो 100 रुपये में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? कुछ कम कर सकते हैं? नहीं सर, 100 रुपये में 1 लीटर, तो पेट्रोल के लिए आपने पूछा कितना खर्चा किया। हाँ, यही था ना सवाल। तो एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? कुछ चीजें कम कर सकते हैं, कुछ चीजें पेट्रोल के लिए नहीं दी हैं, लेकिन सरकार हमसे लेती है। एक बार सवाल को दोहरा दीजिए। फिर से दोहरा देता हूँ, हम समझना चाहते हैं कि हम वस्तुओं को खरीदते हैं, तो पेट्रोल का एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमने 100 रुपया 1 लीटर पेट्रोल के लिए दिया, तो एक्चुअली हमने पेट्रोल के लिए कितना रुपया दिया? 100 का 100 पेट्रोल के लिए दिया कि 100 में से कुछ और भी था? साधारणतः 100 में से 100 पेट्रोल के लिए दिया। तो आप तो फाइनेंस वाले नहीं, आप सर आप उसको फिर टैक्स वैक्स से इधर माइक पर। आप पहली बार स्वीट कर रहे है ना, यूट्यूब से नहीं किया? हाँ, फिर ठीक बताओ। तो 100 रुपए में से हमने 50-60 रुपए तो 50 रुपए तो टैक्स का दिया है, GST और जो भी कुछ होता है, है ना। और 10 रुपया ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, और 10 रुपया किसी का प्रॉफिट भी होगा, वो भी हमने पेट्रोल के लिए नहीं दिया है, तो फाइनली बचा 30 रुपया। तो टैक्स निकाल दिया, पेट्रोल ट्रांसपोर्ट निकाल दिया और प्रॉफिट निकाल दिया, अब 30 रुपये बाकी बचा। 30 रुपये में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? कुछ और कम कर सकते हैं? मार्केटिंग कन्वीनियंस, कितने अच्छे अच्छे शब्द निकालते हैं, दलाली नहीं बोलते ये इंग्लिश में बोलने से ऐसा लगता है कोई बहुत काम की बात बोल रहे, दलाली नहीं बोलते। तो मान लो 10 रुपया दलाली निकाल दिया, तो अब बचा 20 रुपये। तो 20 रुपये में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? और कुछ कम कर सकते हैं? रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग के लिए भी दिया, तो मान लीजिए 5 रुपया और कम हो गया, 15 रुपये बचा। तो 15 रुपये में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? कुछ और कम कर सकते? और कर सकते हैं, मेरे को गुंजाइश बहुत कम लग रही है। 15 रुपये एंड यू आर पेइंग 100 रुपीज, यहाँ पे सबके ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई हो गए। अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए शायद रिमेनिंग जो आप देते हैं एक्चुअल, तो वैल्यू से अगर थोड़ा सा हट के देखें तो आपका जो पीस ऑफ माइंड है फॉर दैट पेट्रोल विच यू आर पेइंग, आप एक्चुअली तो पेमेंट उसी के लिए करते हो। नहीं, वो तो एक अलग बात हो गई, अपन तो बिल्कुल कमर्शियल टर्म्स में बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल कमर्शियल टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो 15 रुपये हमारा लास्ट में बचा, तो 15 रुपये में से रिफाइनिंग और वो कुएं से निकालने में भी कुछ पैसा लगा होगा, ऑयल वेल से, तो 5 रुपये और कम कर देते, तो 10 बचा। तो 10 रुपये में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना? अच्छा, अब और कम करेंगे हम। हम थोड़ी करेंगे, जो है वही कर रहे हैं। बट आई गिव अप, आगे कितना तो दे। मेरा तो ठीक ही है, बट आई थिंक आई डोंट गो देयर ओनली, दैट्स व्हाई आई एम फाइन। नहीं, पर हमने कुछ गलत नहीं किया ना, कि हमने टैक्सेस निकाले, ट्रांसपोर्टेशन निकाला, प्रॉफिट निकाला, दलाली निकाला, रिफाइनिंग निकाला, कुएं से निकालने का भी हमने निकाला, काफी कुछ हमने मेहनत किया तब 10 तक पहुंचे। जीवन विद्या इज आल्सो स्पॉन्सरिंग अस वॉकिंग अ लॉट मोर, यहां पे कोई पेट्रोल नहीं खरीदने वाला।
तो 10 रुपए में से एक्चुअली पेट्रोल के लिए कितना दिया? हाँ जी, तो चलो आप ही माइक रखो। जिस कुएं से वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, फिर 100 रुपए किसकी जेब में गया? गवर्नमेंट गवर्नमेंट पीपल लेबर ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस सब। तो इसका मतलब पेट्रोल के लिए कितना पे किया? कुछ भी नहीं सी। ठीक है, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। तो 100 रुपए किसको चला गया? पेट्रोल के लिए दिया कि मानव श्रम के लिए दिया? मानव श्रम। तो जब हम ये बोलते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का है, तो उसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि 1 लीटर पेट्रोल को पाने में 100 रुपए का मानव श्रम लगा है। पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट है। Absolutely. ये सही है, ये ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल को पाने में कोई क्रूड मिला था, तो 1 लीटर पेट्रोल को पाने में 100 रुपए का मानव श्रम लगा है, पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमने पेट्रोल के लिए पे किया है कि मानव श्रम के लिए पे किया? मानव श्रम। मानव श्रम के लिए हमने पे किया है, पेट्रोल के लिए कुछ भी हमने पेमेंट नहीं किया है, पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने 25 लाख की कार खरीदी, तो ऐसा बोलते हैं कि ये बीच वाली जो गाड़ियां हैं, है ना, बीच वाले जो एकदम लगभग इसमें 20 क्विंटल लोहा होता है, 20 क्विंटल लोहा और कुछ रबर एल्युमिनियम वगैरह। तो जो 20 क्विंटल लोहा हमने कार के थ्रू हमारे घर आ गया है, उस 20 क्विंटल लोहे के लिए हमने कितना पैसा दिया? जीरो। अगेन ठीक हो गया। तो 25 लाख रुपए किसकी जेब में गया? मानव श्रम। मानव श्रम। तो 25 लाख की कार खरीदी नहीं बोलेंगे, एक कार को बनाने में मानव श्रम 25 लाख का लगा है, कार फ्री ऑफ कॉस्ट आई, और उसपे जो लोगो लगा है वो एक्चुअली ज़्यादा एक्सपेंसिव। हाँ, अब कुल मिला के मानव को गया। आप लोगो लगाओ, चोरी करो, कन्वीनियंस करो, अच्छा करो, बुरा करो, गया मानव की जेब में, नेचर को कुछ नहीं दिया। नहीं। तो 25 लाख की जब कार खरीदी बोल रहे हैं, तो 25 लाख एक कार को बनाने में 25 लाख का मानव श्रम लगा है, उस कार में लगा हुआ नेचुरल रिसोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 20 क्विंटल लोहा मेरे घर में आ गया, उसका मैंने कुछ भी पे नहीं किया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा एग्जाम्पल, हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं, 10 रुपया पर यूनिट। तो 10 रुपया पर यूनिट बिजली का कॉस्ट है कि 10 रुपया पर यूनिट एक यूनिट बिजली को प्रोड्यूस करने का मानव श्रम है? मानव श्रम। बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, तो उसको बनाने में जो पानी और कोल यूज हुआ है उसके लिए हमने क्या पे किया? कुछ नहीं। तो इससे ये समझ में आया कि फिर आपने आज तक क्या खरीदा है? वस्तु कौन सी खरीदी आज तक आपने? हाँ जी, पूरी सभा एक साथ। तो आज तक हमने वस्तु के रूप में क्या खरीदा है? जब आप बोलते हो कि मैं 1 तोला 10 तोला गोल्ड खरीद के लाई, तो 10 तोला गोल्ड खरीदने में आपने क्या खरीदा? मानव श्रम। तो धरती से गोल्ड निकाल के प्रोसेस करने में जितने लोग लगे हैं, तो एक 10 तोले गोल्ड की कीमत नहीं है, 10 तोले गोल्ड को प्रोसेस करने की कीमत, गोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिर यहां ये सवाल खड़ा होता है कि आज तक हमने वस्तु के रूप में क्या खरीदा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। क्या खरीदने की औकात है? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ी और ठीक से बात हो जाए। हाँ। तो हमारी औकात नहीं है कि हम कुछ खरीद पाए, क्योंकि एक सेल हम आज तक बना नहीं पाए हैं, पानी की एक बूंद बनाई नहीं है, हमारी सारी फैक्ट्रियां मिलकर एक नींबू बना नहीं सकती, है ना? तो इससे ये समझ में आता है कि जो नेचर से मिला है उसको हम रेस्पेक्ट नहीं कर पाए और रेप्लिकेट भी नहीं कर पाए। रेप्लिकेट भी नहीं कर सकते,
तो जो चीज हम खरीद नहीं सकते और यूज करना हमारी मजबूरी है क्योंकि जिंदा रहना है, जो चीज हम खरीद नहीं सकते और यूज करना हमारी मजबूरी है क्योंकि जिंदा रहना है, तो हमारा भाव वस्तुओं के साथ कैसा हो? एक्चुअली तो ग्रैटिट्यूड वाला होना चाहिए और सदुपयोग, लाइक आपने कहा कि जितना उसका कर सकते हैं, है ना। देखो मैं इसको एग्जांपल में कन्वर्ट करता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप अपनी बेटी का एडमिशन कराने मुंबई गए, अपने दोस्त के यहाँ 4 दिन रहे, अब दोस्त के यहाँ रह रहे हो तो ना पैसा दे सकते हो, ना खाने का पैसा दे सकते हो, ना रहने का पैसा, तो अब दोस्त के घर रहते हो, उसके साधन यूज करते हो, उसके घर किस भाव से रहते हो? अतिथि भाव से। जितना केयरफुली अपने घर में रहते हो उससे भी ज्यादा रहते हो कि कम रहते हो? ज्यादा रहते हो। और क्या क्या ख्याल रखते हो? सब चीजों का, हमारी वजह से उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, परेशानी ना हो, किसी साधन का दुरुपयोग ना हो, और लौटते समय क्या बोल के आते हैं? आप भी आइएगा अहमदाबाद आना, और कभी विद फैमिली आना, खाकरा जलेबी सब खाते रहो, खाकरा बाबरा खाइए। हम कैसा रह रहे हैं, हम किस मानसिकता से रहते हैं? नॉन ग्रैटिट्यूड, टेकन फॉर ग्रांटेड, और अगर धरती एक मानव का रूप ले लेती तो हम काफी बदतमीज हैं बेसिकली, हर रिसोर्स को यूज करने में, मिसयूज करने में, है ना। इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि एक माँ बाप दो लोग शादी करने के पहले कितना सोचते हैं कि करें कि नहीं करें, और ना करने के पीछे एक बड़ा कारण क्या होता है कि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, मेंटली भी स्टेबल तो होते ही नहीं है पर फाइनेंशियली भी नहीं है। तो दो लोग शादी करने के पहले अपने आने वाले बच्चों की जरूरतों का ख्याल इस कदर रखते हैं, और आज हमने पिछले 3 पीढ़ियों में देखा भी हर माँ बाप अपनी हैसियत से अपने बच्चों को कम उपलब्ध कराता है कि ज़्यादा उपलब्ध कराता है, ज़्यादा ही उपलब्ध कराता है। तो जिस तरह से माँ बाप मिलके अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी में कोई कमी ना रह जाए अपनी हैसियत से ज़्यादा ही उपलब्ध कराते हैं, उसके लिए एक लंबी तैयारी करते हैं, 20 साल 25 साल की पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, रोज़ 10-12 घंटे काम करते हैं, तो इस धरती पे अपना बच्चा आने के पहले, जब धरती ने मानव रूपी बच्चा डिलीवर किया है तो उसके आने के पहले कितने साल तैयारी की? मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल की तैयारी है। और इस धरती को कैसे पता चला होगा कि मेरा बच्चा आएगा तो उसको नींबू लगेगा, जाम भी लगेगा, आम लगेगा, आम की 2200 वैरायटी लगेगी, और धान लगेगा, धान की बोलते हैं 36,000 वैरायटी, ठीक, और तमाम कितने फ्रूट्स हैं जिनको हम पहचानते ही नहीं हैं पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में अलग अलग तरह के फ्रूट हैं, दालें हैं, तिलहन हैं, दलहन है, औषधियों के पौधे हैं, इमारती लकड़ी है, कैसे इतनी सारी कैटेगरी, कैसे लगता है मानव को सोच के ही बनाई गई है। आप कभी सोच के देखो जितने भी वनस्पति है उसको इन्हीं कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, दलहन है, तिलहन है, औषधीय पौधे हैं, इमारती लकड़ी है, है ना। तो ऐसे आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मानव के लिए जैसे सजा हुआ है और बिल्कुल रेडी टू ईट, पपीता उतारो सीधा खाओ, आम उतारो सीधा खाओ, है ना, नारियल उतारो सीधा खाओ, और सब एक एक चीज की बनावट देखेंगे और पूरी सृष्टि पे उसके मौसम, धरती पे कितना मरुस्थल होगा, कितना पहाड़ होगा, कितना पानी होगा, क्योंकि ये सब मिलके, कितनी बर्फ होगी, क्योंकि ये सब मिलके धरती का वातावरण बनाते हैं, और वो वातावरण मानव के रहने के लिए अनुकूल हो तो ये वातावरण बनता है। जैसे हम अपना एक घर बनाते हैं, अपने घर में अपने रहने के लिए एक वातावरण क्रिएट करते हैं, उसमें एसी लगाते हैं, उसमें तमाम कारपेट लगाते हैं, तो पूरी सृष्टि को देखोगे तो मानव के आने के पहले कितनी तैयारी हुई है और किस लेवल की तैयारी हुई है, इस सब को देखने से कैसा लगता है? शर्मनाक लगता है। बिल्कुल लगना ही चाहिए। तो अभी अर्थशास्त्र में 10 PhD करने के बाद, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड तमाम यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद में हमारे को इतनी अकल नहीं आई कि नेचर के साथ हमारा कोई संबंध है और संबंध पूर्वक नेचर के साथ में जिया जा सके, और खरीदने को लेके हमारा जो सेंस आता है
मैंने कोई चीज खरीदी है मतलब क्या क्या साथ में फ्री में आता है? मैंने कोई चीज खरीदी है मतलब तो क्या साथ में फ्री में आता है? दुरुपयोग करने का अधिकार साथ में फ्री में आता है। एक सेंस ऑफ पजेसिविटी स्वामित्व साथ में आता है, दुरुपयोग करने का अधिकार साथ में आता है, है ना? अभी पिछले दिनों वो एग्जांपल मेरे को याद आता है कि टाटा किसी कंट्री में खाना वाना खाने गए होटल में जर्मनी में, तो झूठन छोड़ के उठ गए तो बैरी ने पकड़ लिया, बोले आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब समझ में आता है कि जो होटल में जाके खाना खरीदते हैं वो खाना खरीदा है कि सर्विस खरीदी है? सर्विस खरीदी। खाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाना फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जो खाना खरीदा, आपने खाना नहीं खरीदा है, उस खाने को प्रोसेस करने में किसान की मेहनत लगी, उसको प्रोसेस करने में होटल वाले में चार लोगों ने मिलके बनाया, लेकिन जो नेचर से अनाज मिला था वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कीमत आपने नहीं चुकाई है। कोई बीज हमने आज तक बनाया नहीं है। इसका मतलब हमने खाना खरीदा है कि सर्विस खरीदी? मानव श्रम खरीदा है कि भोजन खरीदा है? जो चीज हमने खरीदी नहीं है उसको दुरुपयोग करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। तो कौन बड़ा आदमी कहलाएगा? दुरुपयोग करने वाला बड़ा आदमी कहलाएगा कि सदुपयोग करने वाला बड़ा आदमी कहलाएगा? अभी दुरुपयोग करने वाला बड़ा आदमी कहलाता है कि सदुपयोग वाला कहलाता है? कहने वालों को अकल से पैदल बोले कि ठीक ठाक बोले? ऊपर वाला माला खाली है कि नहीं? टोटल खाली है, ब्लैंक। बताइए इस चर्चा से क्या समझ में आया? इस चर्चा से क्या समझ में आया? बोलो भाई साहब। ये समझ में आया कि हमारी कोई औकात ही नहीं है कुछ नेचर से खरीद सके, अपन जो भी खरीदते वो मानव श्रम ही करते। थोड़ा विनम्रता से रहा जाए, थोड़ा एहसान से, है ना? अभी भी पेट्रोल खरीदेंगे तो सोई का ही मिलेगा, पेट्रोल सो का ही मिलेगा, लेकिन अब पेट्रोल खरीदूंगा तो भाव क्या होगा? अब पेट्रोल खरीदूंगा तो भाव क्या होगा? कैसे सर, कैसे आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अब पेट्रोल खरीदूंगा, 100 रुपया दूंगा तो भाव क्या होगा? दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग नहीं करना है, इतना ही होगा? वो सर रेट है, एक ग्रेटिट्यूड होगा, कृतज्ञता का भाव, एक कृतज्ञता का भाव होगा। और क्या होगा? और भी एक चीज है जो हमारे ध्यान में अभी नहीं आ रही है। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक शर्ट है जो मैंने बाजार से खरीदी है और एक शर्ट है जो मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया। जब गिफ्ट की हुई शर्ट को पहनता हूँ और मेरे किसी बहुत अजीज ने, है ना, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसने मेरे को गिफ्ट दिया है, तो जब मैं उसको उस शर्ट को पहनता हूँ तो मेरे को कैसा लगता है, और जब खरीदी हुई को पहनता हूँ तो कैसा लगता है? दोनों की खुशबू में फर्क है। फर्क है। इसका मतलब है एक बेजान चीज भी भावपूर्ण हो गई सी लगती है। एक बेजान चीज भी समझ आने से भावपूर्ण हो जाती है, और समझ नहीं रहने से एक भावपूर्ण चीज भी बेजान हो जाती है। आपसी संबंधों में हम जैसा जी रहे हैं, हमारे को मानव भी बेजान जैसा लगता है। मानव से भी कोई खुशबू नहीं आती है, समझ आने से उस मटेरियल से भी खुशबू आ सकती है। ये आदमी की हैसियत है। बढ़िया भैया जी, एक और सोच आई जब ये बात हो रही थी कि जब हम किसी और के घर जाते हैं और जब हम कितने प्यार से कृतज्ञता से रहते हैं, तो वही चीज हम हमारे घर में जब रहते हैं तो ये सारी चीजें हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी तो वही स्वामित्व मेरा है, घर में मेरी चलेगी। ओनरशिप, दुरुपयोग करने का अधिकार। मैंने पैसा दिया, मैं जो चाहूं करूंगा। इसलिए बीवी के साथ भी ऐसे करते हैं, मेरी है, जो
जो चाहूंगा करूंगा, वही स्थिति है। हम एक संबंध में भी एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं और वही दुरुपयोग करने का सोचते हैं, वही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। वही पीड़ा है मेरी पत्नी, मेरा बेटा। टेकन फॉर ग्रांटेड उसने, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये तो हमारे ही है। कहाँ जाएंगे? है ना, बेटे को बोल देते हैं घर में रहना है तो मेरी चलेगी, तुम तय कर लो, क्योंकि आप मान रहे हो कि मेरा है। पत्नी को बोल रहे हैं रहना है तो मेरी चलेगी, क्योंकि आप मान रहे हो कि मेरा है, क्योंकि आपने माना ही नहीं है कि ये दोनों का है। भैया इसमें काफी टाइम ऐसे पेरेंट्स होते हैं, माइक ले लो पीछे, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनकी नहीं चलती है और बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो पेरेंट्स ही बोलते हैं ये घर मेरा है, रहना है तो रहो। हाँ, आर पार हो ही जाता है, आर पार दोनों। पत्नी के लिए भी आर पार होता है, बच्चों के लिए भी होता है, क्योंकि आपने मान रखा है कि मेरा। गहरी कंडीशनिंग गुस्से में बाहर आ जाती, सामान्य स्थितियों में नहीं आती, लेकिन जब भी आप, हाँ जी हेलो सर, हाँ सर, ये आज मैंने ये सीखा है कि जो भी यूनिवर्स में सभी जगह ग्रेटिट्यूड जो हाँ। भी है हमारे पास सभी में हमें ग्रेटिट्यूड वाली कुछ भी आपका नहीं है हाँ। वो अलग वैसा वाला नहीं है जैसा आप मान रहे हो हाँ। आज कितना समझ आ गया इसके कुछ जिंदगी थैंकफुल अबाउट कि मैं यहाँ आई रियल कुछ बदलेगा अंदर हाँ जरूर डेफिनेटली थैंक यू Good. मेरे को ये रियलाइज हुआ कि हमारा एक सेंस ऑफ ओनरशिप है टुवर्ड्स थिंग्स और रिलेशनशिप्स। जो अभी आपने बात बताई हाँ. कि हम हर चीज को ये समझते हैं कि हम ओन कर रहे हैं, ये हमारी है। अगर मैंने गाड़ी खरीदी तो मैंने गाड़ी खरीदी, वो मेरी गाड़ी है। अगर हमने शादी करी तो या फिर बच्चे करे तो हमारे बच्चे हैं, हम उनको ओनरशिप में कर लेते हैं। इस वजह से शायद प्रॉब्लम आ रही है। गुड हाँ शिवानी सभी लोगों ने कहा कि थोड़ा माइक ऊपर कर सभी लोग मतलब वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल एंड शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर ताकि हम लोग खुद एक्चुअली जीना सीख हाँ ऐसा करना मेरी खुशी के लिए मेरी जरूरत है। वस्तु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कार को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लात मार दो कि आप गले लगा लो, कार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं यदि ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ तो मेरी खुशी के लिए मेरी जरूरत है, शर्ट को कोई फर्क नहीं, जाता हूँ तो मेरी खुशी के लिए मेरा भावपूर्ण होना मेरी जरूरत है, तो समझ है तो मैं हर क्षण भावपूर्ण हूँ, चाहे मैं भौतिक वस्तुओं के साथ में जीता हूँ, चाहे मैं मानव के साथ में जीता हूँ, किसी के साथ भी जीता हूँ। गुड हाँ जी सर, हमने जैसे बोला शिप तो आई गई उसमें तो उसका मेरे पे हक हो सकता है कि नहीं? जैसे मैंने ओनरशिप ठीक है हाँ, ओनरशिप का इतना ही मतलब है कि आप उसका देखो ओनरशिप। भाई मैं कहता हूँ कमल मंगल जी और ये टीम मिलके शिविर को ऑर्गेनाइज कर, तीन बार पहले आके शहर में कोई अच्छी जगह देखती है, इस बीच में कितनी सारी बातें होती हैं, कोई चीज फाइनल होती है नहीं होती है, जबकि मैं तो मंच पे बोल रहा हूँ, मंच पे बोलने वाले को एक सम्मान मिलता है, एक पहचान मिलती है, उसको तो बहुत कुछ मिल रहा होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर होता है तो पर्दे के पीछे होता है। और ये बहुत सक्षम लोग हैं ना, मेरे को नहीं पता कमल मंगल जी के बारे में, लोग जानते हैं कमल मंगल जी अहमदाबाद की लीडिंग स्कूल चेन्स के मालिक हैं, 10 स्कूल चलते हैं, 10,000 बच्चे पढ़ते होंगे, है ना। उस आदमी को जरूरत नहीं है कि वो आपके रूम का एलोकेशन करेगा, वो आपके फोन से बात करेगा, आपकी जर्नी के लिए आपकी कार किधर से आएगी उसके लिए व्यवस्था करेगा, ये उसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि कोई चीज हमको ऐसी दिखाई देती है तो उसको हम ओनरशिप, इसका नाम है। तो एक वस्तु को ओनरशिप करें कि पूरी संसार को ओनरशिप ओन करें, तो जो इन्होंने कहा कि स्वामित्व नहीं अपनापन, स्वामित्व नहीं, स्वामी मैं हूं नहीं,
क्योंकि पूरी चीजें नेचर की हैं, तो स्वामी तो मैं हो नहीं सकता। हाँ, उसके साथ मैं कैसे जीऊंगा, वो जो अपनापन है, वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, उतनी बात होगी क्या? सारी रजिस्ट्री इधर ही रहेगी, सारी रजिस्ट्री, सारी जमीन, सारे मकान, सारी प्रॉपर्टी, सारी फैक्ट्री इधर ही रहना है। आप इतना ही करते हो कि दुरुपयोग करने का अधिकार अपने बच्चों को देके जाओ। नहीं कर सकते, यदि उनको सदुपयोग करने की अकल नहीं है तो दुरुपयोग ही करेंगे। हाँ जी, माइक। हमने आपका सेशन दीनदयाल ऑडिटोरियम अहमदाबाद में अटेंड किया था। माइक पास में। अहमदाबाद दीनदयाल ऑडिटोरियम में अटेंड किया था। अच्छा, वो रात को? हाँ, 8 से 11 जी, रात को, सैटरडे को, फिर संडे स्कूल में अटेंड किया था आनंद निकेतन में। उसके बाद एक प्रैक्टिस बच्चों में ये डाली हमने, उनको सिखाया कि फूड वेस्ट नहीं करना है। अब थोड़ा बहुत तो उनको है कि जो थाली में जितना दिया है फूड, उतना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और जब भी वानिया को लेने जाती हूँ मैं स्कूल के लिए, छोटी डॉटर है, हम एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, उसको भी मैं ये सिखाती हूँ कि देखिए ट्री है, हमको हग कर, मतलब वो उसको हग करती नेचर की तरफ। हाँ? बच्चों को थोड़ा कि वो भी नेचर है, वो हमारी माँ है, कि वो भी हमको देख छा, मतलब उससे हमको धूप नहीं लग रही, हम पेड़ के नीचे खड़े हैं, हमको उसको थैंक यू बोलना चाहिए, हग करना चाहिए। वो अभी बच्चों में थोड़ा थोड़ा डालना चालू किया वो एक सेशन के बाद। इसी बारे में मैं एक दो छोटे एग्जांपल्स दे दूंगा जो शायद सब्सटेंशिएट करेंगे। हमारे घर के बाजू वाले घर में रोज पानी ओवरफ्लो होता है, वैसे देखा जाए तो वाटर टैक्स तो फिक्स्ड होता है, पैसा तो हम म्युनिसिपैलिटी को दे देते हैं, मोटर उनकी चलती है, पावर उनका चलता है, मगर दुख हमको भी होता है कि क्यों ये लेवल स्विच नहीं लगाते हैं, क्यों ये रोज पानी को ओवरफ्लो होने देते हैं जो कि एक प्रेशियस रिसोर्स है। दूसरी बाजू अगर अच्छा शिक्षण हो, जैसे मेरी बेटी की एक कृष्णमूर्ति स्कूल में गई हॉस्टल में, 6 महीने बाद मैं शेविंग कर रहा था और नल थोड़ा चालू था, तो उसने सिंपल बोला, पापा आप नल बंद क्यों नहीं कर सकते, बार बार क्यों कंटिन्यूस क्यों चालू रख रहे हो। कहने का जो मैडम ने बताया वैसे ही, ये छोटी छोटी चीजें अगर 150 करोड़ मानव करने लगे तो मेरे ख्याल से जो आप बात करते हो कि हमारे पास रिसोर्सेज तो काफी है बट मिसयूज बहुत हो रहे हैं। अगर मेरा ध्यान परसेप्शनली कभी कभी उस तरफ जाता है, बट नाउ सो मच मोर अवेयरनेस टुवर्ड्स दैट, एंड वो मुझे ये फील करवाता है, आई एम सो ग्रेटफुल टू द एंटायर रेस ऑफ ह्यूमंस, बिकॉज आज जो सुविधा मैं यूज़ कर पा रही हूँ ये भी किसी के श्रम से आ रहा है। तो जैसे मैं अर्थ की तरफ ग्रैटिट्यूड फील कर सकती हूँ, वैसे मेरे को ऑन अ होल ह्यूमैनिटी की तरफ भी वो ग्रैटिट्यूड दिखा। और ये मेरी खुशी के लिए मेरी जरूरत है जी, बिल्कुल, है ना, किसी पे एहसान नहीं, ऐसा मैं कर पाता हूँ तो मेरी खुशी से मैं ही भर जाता हूँ। और वो आई थिंक एक सुख के लेवल को जनरली ऊपर बढ़ा देता है, वेयर यू आर मोर कोऑपरेटिव विद अदर पीपल, जो कोएग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आई थिंक एक स्टेप फॉरवर्ड फील करता है अगर आप उस श्रम को भी अकाउंटेबल लेते। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत बढ़िया। हाँ जी, माइक। थैंक यू बोर्ड पे। हाँ भैया, मैंने जब बात करके कि सर के पैर ऐसे हैं टेढ़े मेढ़े, तो मैं सीधा तो दौड़ तो चलेगा, मैंने बोला सही दौड़ा है, मुझे पूछा सही है आपके पैर, मैंने मुझसे पूछा इसने कि देखो आंटी ये पैर ऐसे, मेरे को भी ऐसे नहीं आते, मैं क्या करूँ क्या। देखो बच्चों में के भाव से जो खुशी मिलती है वो भौतिकता से नहीं मिलती। तो अभी हमने जो ये पूरी पृथ्वी का या पूरी अस्तित्व का जो आपने जो ब्यौरा दिया है और पूरी सभा में जो खुशी आई है वो महसूस होता है, वही सही में भाव से ही खुशी। जो बात अभी आपने बोली,
तो इसमें क्या हुआ, क्या चीज की खुशी मिल रही भाई, क्या चीज की खुशी मिल रही, इसको फील करो कि मैं क्या चीज पे खुश हुआ। और ये किसी, ये खुशी किसी दूसरे की मोहताज है क्या? इसको पकड़ने की जरूरत है। बहुत बढ़िया कहा आपने, यदि हम इसको पकड़ लेते हैं तो हम उस जगह को पकड़ लेते हैं कि मेरी खुशी किसी दूसरे की मोहताज नहीं है और मेरा खुश होना समाधान बराबर सुख। समाधान का मतलब किसी नियम को पहचान पाना। इसलिए दुख की परिभाषा भी है, नियम का विरोध ही दुख है। जब भी जिंदगी में दुखी हुआ इसका इतना ही मतलब है कि कोई नियम पहचान में नहीं आया। तो नियम का विरोध ही दुख है, नियम को पहचानना ही और नियम पूर्वक जीना ही सुख है। इसमें व्यक्ति बीच में नहीं है, व्यक्ति के साथ उसका प्रमाण है कि हाँ वो भी ऐसा ही सुखी होता है। कितने लोगों तक बात पहुंच रही है ना? देखो बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, बहुत एकदम प्रिसाइजली कहना चाहता हूं, कोई दूसरा मुझको खुश कर नहीं सकता। इसलिए भूल जाइए, आपका पति आपको सुखी करेगा, आपकी पत्नी आपको सुखी करेगी, आपकी सास आपको सुखी करेगी, है ना? हाँ, और आप समझदार नहीं हो तो आप सबसे दुख पाओगे, ये भी पक्का है। इसलिए मेरी खुशी के लिए मेरा समझदार होना मेरी जरूरत है, ये मेरी यात्रा है, इसके लिए कोई आपको रोक नहीं रहा है। इसके लिए सभी सहयोगी हैं, सबका धन्यवाद। तो इस यात्रा को शुरू किया जाए, है ना, सुखी होकर जिया जाए और करके भी फिर सुखी हुआ जाए, ये आराम से बनेगा। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, एक साल जम के लगा लो, एक साल कंप्लीटली डेडिकेट करना होगा बाकी तमाम चीजों को सेकंड प्रायोरिटी पे डालते हुए, कि एक साल मेरे को पूरा फोकस करना होगा। मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल 40 साल फोकस किए हैं शरीर से सुखी होने के लिए, और अपनों से दुख पाया है, अपनों को दुख दिया है और इतना दुख दिया है पाया है कि संसार से भरोसा उठ गया है। तो मुझको लगता है कि एक साल अपने लिए दिया जाए, खुद के अस्तित्व को तलाशा जाए, खुद के अस्तित्व को पहचाना जाए। इसमें मन लगने का सवाल नहीं है, मन को लगाना है। मन तो आपका बिगड़ गया इतने साल में, उसकी आदतें खराब हो गई, तो मन के अनुसार मेरे को चलता है कि मन को अपने अनुसार चलाना है? तो मन के अनुसार अब नहीं चलना है, मन को जो सही है उसके अनुसार लगाना है, उसके अनुसार चलाना है। एक साल में हम उस जगह में पहुंच जाएंगे मानसिक धरातल में जहां हमको लगेगा कि हाँ एक समतल जमीन आ गई है और एक थोड़ी सी आराम से टिकने वाली जगह आ गई। जी माइक, हाँ तब तक आप माइक अरेंज करिए। सर आपने अभी जो समझाया कि कोई भी वस्तु है जो नेचर से हम डिराइव करते हैं, हाँ, और उसका उपयोग करते हैं तो सदुपयोग ही होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चाहिए नहीं, आप दुरुपयोग करोगे आप दुखी होंगे, हाँ। सदुपयोग करोगे आप सुखी होंगे, इसलिए चाहिए की भाषा खत्म। ओके, हाँ, तो मेरा ऐसा है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स स्पेशली वाटर के प्रति मेरा थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट है, क्योंकि स्कूल में ही हमें ये सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में सिखा दिया था, तो ऐसा कंडीशनिंग हो गया है कि पानी तो कुछ भी करके बचाना ही है, वेस्ट तो नहीं होना चाहिए, रीयूज जितना कर सको उतना करना चाहिए। तो अगर अब कोई वेस्ट करता है तो मैं थोड़ी चिढ़ जाती हूँ और थोड़ा ऐसा कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है कि कोई बोलता है तुम्हारा क्या जाता है, हमारा पानी हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करें। तो आपने जो समझा कि कोई व्यक्ति अगर उसको ये समझ में आ रहा है कि उसका नहीं है, इतना ही समझ में आ रहा है कि उसका नहीं, हाँ, तो उसको हम कैसे समझें अच्छी तरीके से कि बस वो नियम वही है, विचार लाइन में लगने से चप्पल लाइन में लगता है, चप्पल लाइन में लगाने से विचार। मेरा क्वेश्चन वही है सर, तो अपने विचार पहले लाइन में लगाओ तब उसके लाइन में लगा पाओ। ओके, तो शांति से, शांति से। तो सर तब तक हम वेस्टेज देखते, तब तक देख देख के दुखी हो, और इसका नाम नासमझी टैक्स है। हम मानव नहीं बने, दूसरे को मानव नहीं बना पाए, इसके बीच में दुखी होते ही रहेंगे, कोई टैक्स हम पे लगता ही रहेगा, ये लगेगा ही। इसलिए अपने मानव होने के प्रयास को तेजी से किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।